रीवा लोकायुक्त पुलिस की घूसखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को नई गढ़ी क्षेत्र में एक पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जहां पर वारिसाना चढ़ाने के एवज में पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नई गढ़ी तहसील के उमहरिया गौहरान पटवारी संजय दुबे द्वारा वारिसाना के नाम पर इटहा कला नई गढ़ी के निवासी यशोदा नंद पटेल से 1000 की रिश्वत की मांग की गई थी। रुपए न देने पर कई माह से पीड़ित को परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने लोकायुक्त पुलिस में की थी। पीड़ित द्वारा 500 रुपए सोमवार को पटवारी को दिए जा चुके थे, बाकी बचे 500 रुपए मंगलवार को नई गढ़ी तहसील कार्यालय के ठीक सामने खाली पड़े मैदान में लेते, लेकिन वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नई गढ़ी कार्यवाही अभी जारी है। लोकायुक्त पुलिस की रिश्वतखोरों पर लगातार कार्रवाई जारी है और 17 जनवरी को होंडा एजेंसी के पास एक पटवारी को रीवा में ही लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था। इसके बाद 24 जनवरी को प्रधान आरक्षक को मुकुंदपुर में पकड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके बाद मेहर में एक पटवारी को ओवरब्रिज के पास पकड़ा गया और अब फरवरी माह की पहली ही तारीख को लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। क्या हुआ? ये वारसाना के लिए दिए थे, आज 4-5 महीना हुआ था, लेकिन हुआ नहीं, बोल रहे थे कि हो गया है, लेकिन जब देखते हैं तो पिता के मृतक है कि नाम मैंने लिखा है। कौन कह रहा था? पटवारी साहब। क्या नाम पटवारी साहब का? संजय दुबे। तो फिर क्या कि पैसा की मांग किए थे आपसे? जी। अपने लिए मांग किए थे कि और किसी के लिए? नहीं, आपने जो बोले कि ऐसा है, जब हमारा काम नहीं हो रहा था तो हम बोले कि क्या करूँ, तो हो गया 500, फिर बाद में दे दिए, फिर 500 रह गया, 1000 की मांग। पहले 500 दे दिए थे, पहले 500 दे दिए थे जी, 500 फिर आ गए। एक फरियादी है यशोदानंद पटेल, उसके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत की गई थी। एक जो भूमि का नामांतरण के लिए एक आवेदन लगाया था नई गढ़ी तहसील में, उसके एवज में 1000 रुपये की मांग की गई थी। आरोपी जो पटवारी है संजय दुबेया 500 रुपये पूर्व में ले चुका था और 500 रुपया जो है रंगे हाथों लेते हुए उसको तहसील कार्यालय नई गढ़ी में लोकायुक्त रीवा के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभी कार्रवाई जारी। खबर मध्य प्रदेश के लिए रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।